Aqib. Assalamu alaikum, dear viewers. We are live from Subhan Stadium, Sopore. As you are very aware of the fact that today is the SSL Grand Finale, which will be played between the two big teams of the valley. It will be Jodhpur Rangers taking on Hak 11, and you can understand the big names. And I got some stalwarts of valley cricket alongside me to the left of me, and these are the prolific stars of the valley. And I got the diamond of the valley next to me here, and I would definitely love to go across and know his comments and point of view and his opinion about this very tournament and how has been his experience throughout the tournament. And today's podium is all set for this man, and everyone would definitely love to see this man going all guns blazing with his blade today. And each and everyone is waiting for this very event, and today the wait is over. We are finally back on the field with this great game of cricket, and these guys are going to rock the field today. And let me take you through these very stars of the valley. I will start with Jack first. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Jack, kaisa mehsoos kar rahe hain? SSL ka final aa gaya hai. इस खिते की अगर हम बात करें, ये वर्ल्ड कप माना जाता है इस खिते का, और सबसे बड़ी बात है 30 ओवर का टूर्नामेंट है। इससे पहले आप ज़्यादातर जो क्रिकेट खेलते हैं वो T20 फॉर्मेट का होता है, 30 ओवर लगभग हमारे लिए वन डे जैसा फॉर्मेट है, तो कैसे आपने आपको जो अडॉप्ट करेंगे अंडर सर्टन सर्कमस्टेंसेस? ऑब्वियसली SSL का एक बड़ा नाम है, मतलब तीन चार पिछले दो तीन सालों से SSL निसार साहब के थ्रू ये हो रहा है, और 30 ओवर की बात अपने की, 30 ओवर बहुत कम देखने को मिलता है आउट वैली, जहाँ भी जाते हैं 2020s ही होते, तो इसका एक अच्छा इम्पैक्ट होता है कि अगर प्लेयर ऐसे टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करेंगे तो ये एक जो क्रिकेट गुरुज है उनके लिए, मतलब जो वो कहते हैं कि जितना आप लंबा खेलोगे उतना आप अच्छा परफॉर्म करोगे, उतना आप अच्छा, मतलब वो निखर के आओगे, क्योंकि 2020 जहाँ भी देखे 2020 खेलते हैं। 30 ओवर का बहुत अच्छा है, मतलब ये इनिशिएटिव निसार साहब ने लिया है, तो होपफुल है कि बाकी लीग्स भी नेक्स्ट ईयर, जो अभी सीजन ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, तो सीजन में 30 ओवर्स की या इवन के 40 ओवर्स के टूर्नामेंट्स भी हो जाएंगे। बाकी रही एक्सपीरियंस, मतलब बड़ा इन्जॉय किया पूरे जो टीम मेट्स से, अच्छी टीम जैसे हक 11, मतलब सुल्तान वॉरियर्स, हम साथ ही खेलते हैं, वैली के सबसे मतलब प्रोमिनेंट और अच्छी खिलाड़ी है, तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा 30 ओवर, क्योंकि थोड़ा डिफरेंट है, क्यों एक तो मतलब 8-10 ओवर्स नॉर्मल गेम से ज़्यादा होते हैं, तो अडॉप्ट करने में थोड़ा बहुत टाइम तो लगता है, बट बहुत ये मतलब प्लेयर्स ने बड़ा वो कंसिस्टेंसी दिखा के इस फॉर्मेट को भी, ऐसा लग रहा है कि जैसे वो पिछले कुछ सालों से कंटिन्यू सीख रहे, तो बड़ा एंजॉय किया। की बात करते हैं उसमें, जब भी आपको कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी में गेंद मिलती है आप बल्ला चलाते हैं, क्योंकि आपके पास मार्जिन कम होता है, आपने रन्स बटोरने थे। अब 30 ओवर्स का है, उस पर आप किस तरह की लायामल आप जो इख्तियार करेंगे आज के मुकाबले में, जब भी गेंद बाहर मिलेगी, क्योंकि आपने खुद कहा कि 180 गेंदों का सामना करना है, तो किस तरह की रणनीति रहेगी और कौन सी टैक्टिक्स आप इस्तेमाल करेंगे? जब भी गेंद आउटसाइड ऑफ मिलेगी आप हर गेंद पर प्रहार करेंगे या फिर डिफेंस अंदाज में जाएंगे? ऑब्वियसली 10 ओवर एक्स्ट्रा है तो बैट्समैन जो भी अंदर जाता है थोड़ा टाइम लेता है, क्योंकि ये नहीं है कि 2020 में, जैसे आपने अभी बोला कि ओपनर जहाँ थोड़ा टाइम ले सकता है, जो मिडल ऑर्डर या लोअर ऑर्डर में आते हैं उनको मतलब पहली बॉल से चलाना होता है। इसमें ये चीज़ है 30 ओवर्स में कि बैट्समैन थोड़ा टाइम ले सकता है, गलत बॉल को चूज़ करके अच्छी बॉल को रेस्पेक्ट दे सकता है, जो 2020 से थोड़ा डिफरेंट है। तो ये एक मैम मतलब मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि आने वाले सीजन में जितने 30 ओवर्स के टूर्नामेंट हो जाएंगे उतने प्लेयर्स के लिए अच्छा है। अगर चिन्नसार साहब ने बहुत अच्छा किया कि यहाँ पर जो है उन्होंने 30 ओवर्स का जो है टूर्नामेंट शुरू किया, लेकिन अभी भी एक चीज़ की कमी है, वो मेरे ख्याल से टर्फ की, अगर टर्फ होता तो मजीद उसमें जो है निखार आ जाता। हाँ ओबियसली, मतलब अगर आप इस साल देखिए, इस साल थ्रू आउट वैली अगर देखें तो बहुत जगह बहुत ऐसे ग्राउंड है जहाँ पे टर्फ क्रिकेट मतलब स्टार्ट किया गया, जैसे आपको मतलब बारामूला की बात हम करें, या अभी HMT है जहाँ मैटिंग ही होती थी, या दो तीन ऐसी जगह जहाँ टर्फ क्रिकेट मतलब स्टार्ट किया, तो ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि हाई लेवल में आपको मैटिंग क्रिकेट बिल्कुल ही नहीं मिलेगी। अच्छा है, मतलब अगर जो भी ग्राउंड जहाँ पे हो सकता है टर्फ क्रिकेट, उतना भी मुश्किल नहीं है, बट हो सकता है तो ऑर्गेनाइजर्स का मतलब पार्ट है इसमें, अगर वो टर्फ क्रिकेट खिलाएंगे लड़कों को मतलब बड़ा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि नेशनल्स में या स्टेट में जो भी मैच होते हैं तो टर्फ पे ही होते, तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मौजूद हैं टंगमर्ग के सितारे, हमारे साथ मौजूद है आसिम बशीर है। आसिम, कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसा है जोश, यूं हम कहेंगे कि हाउ इज द जोश फॉर टुडेस मैच? जी काफ़ी, मैं ये बोलूँगा काफ़ी एक्साइटेड है हम इस फाइनल को लेके, क्योंकि एक अच्छा टूर्नामेंट जो निसार साहब ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो हम काफ़ी एक्साइटेड है, और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि ये जो यहाँ आज टाइटल है हम यहाँ से जीत के जाए।
कहाँ तक ये बात सही है कि आसिम जब भी आता है पजेसिव बनकर खेलता है, जैसे वो पंजाबी मुंडा जिसे हम कहेंगे कि जल्दी जल्दी आकर के खत्म करने की कोशिश करता है, क्यों आसिम जो है सबस्टेंशियल में कन्वर्ट करने की कोशिश क्यों नहीं करता है? जी एक्चुअली बात यह है कि टीम स्ट्रंग अच्छी होती है तो कभी कभी एक इंसान को एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि वो अपने स्ट्रोक्स खेले, और 2020 में यही होता है कि बंदा जाके खेले, अगर शॉर्ट इन की खेले 30-40 रन तो अपनी टीम के लिए बेनिफिट हो तो वो काफ़ी अच्छा रहता है, और जब आपके पास टीम स्ट्रंगत हो तो आप खुल के शॉट ले सकते हो, क्योंकि आप पे ज़्यादा वो जो प्रेशर नहीं होता है या ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। 30 ओवर्स का मैच है, कैसे अडाप्ट करेंगे? ऊपर से सनलाइट भी ज़्यादा रहती है, इलेक्ट्रोलाइट्स का मसला रहता है शरीर को लेकर के, और कैसे अपने आप को मोटिवेट रखेंगे इसके लिए? जी 30 ओवर की गेम है तो पहले ये कहूँगा कि एक एक्स्ट्रा ये होता है कि बैट मतलब टाइम ले सकता है बैट्समैन विकेट पे, और जहाँ तक बात है आप ये जो आप बोल रहे हो सनलाइट या एक्स्ट्रालाइट की, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एक प्लेयर के लिए, क्योंकि हम इसके लिए ऑलरेडी प्रिपेयर होते हैं कि क्या चाहे 30 ओवर की गेम हो या 50 ओवर की गेम हो, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ये, अगर ये 40 ओवर की गेम हो या 50 ओवर की गेम हो हम अडाप्ट कर लेते हैं। तो हमारे साथ एक और सितारा है, हर रोज़ इनके चर्चे होते हैं, मैन ऑफ द मैच यूं ही ले जाते हैं, तो आज इनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। इम्तियाज़ लेफ्ट हमारे साथ है, तारुक के मोहताज तो नहीं, किस तरह का जोश है और किस तरह का माहौल आप देख रहे हैं? हालांकि यहाँ पर सवेरे से लोगों की एक भीड़ उमड़ आई है, कैसा महसूस कर रहे हैं? जी बिल्कुल, काफ़ी ज़्यादा अच्छा एटमॉस्फेयर लग रहा है यहाँ पे, तो पिछले 2 हफ्ते से मतलब हम वेट कर रहे हैं इस फाइनल का, तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा इवेंट है और बहुत खुश हुए यहाँ आके और यहाँ का एटमॉस्फेयर देख के। 30 ओवर्स का टूर्नामेंट है, इम्तियाज़ लेफ्टी की क्या लाह अमल रहेगी, किस तरह अपने आप को अडाप्ट करेंगे और किस तरह अपने टीम के लिए बॉलिंग में भी और फिर बैटिंग में भी जो है कुछ कमाल करके दिखाएंगे? जी बिल्कुल, बड़ा गेम है 30 ओवर्स का, तो कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा ओवर खेलने की, क्योंकि टाइम भी काफ़ी ज़्यादा है, तो इंशाल्लाह जैसे ही मतलब खराब बॉल मिलती है तो वहाँ पे कोशिश रहेगी कि रन बनाए और अपनी विकेट का ये हम अपनी विकेट की इम्पोर्टेंस रखे और गेम को लास्ट तक ले जाए और फिनिश करके आए। अगर खुशहाल पर टर्फ होती तो कैसा होता? जी काफ़ी ज़्यादा वही, हम इससे पहले मैं ग्राउंड में आके यही बात कर रहे थे कि यहाँ पे अगर टर्फ विकेट बन जाती है तो डेफिनेटली ये वन ऑफ द बेस्ट ग्राउंड रहेगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अच्छा आउटफील्ड भी है यहाँ का और बाउंड्रीज भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, तो होपफुली इन फ्यूचर हम देखेंगे यहाँ पे टर्फ विकेट। तो चलिए बहुत शुक्रिया आपका, और जो सितारे हमारे साथ हैं, अब साथ ही हम बात करेंगे जो हमारे सबका रणजी खिलाड़ी रहे हैं निसार साहब, जिनकी काविशों का नतीजा है कि यहाँ पर कुछ बड़े टूर्नामेंट्स, और गुज़िश्ता कई सालों से इनकी कोशिश और काविश का नतीजा है कि बड़े टूर्नामेंट शुमाली कश्मीर में हुआ करते हैं, और एक अच्छी बात है कि निसार खांडे हर मैदान पर अपनी टीम लेकर के जाते हैं, और ये आप देख सकते हैं सुबान स्टेडियम का ये खूबसूरत व्यू खुशहाल नज़र आ रहा है, और ये खुशहाली कायम रहे ये हमारी दुआ रहेगी। और साथ में आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर वो सितारा है जिसने अपने ज़माने में बिल्कुल नाम कमाया, और आज भी ये वादिया कश्मीर के क्रिकेटर्स को जो है बिल्कुल मौका प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको डिफरेंट टूर्नामेंट्स खिलाते हैं, और इनकी क्या काविश हैं सर, आपका खैर मकदम है जी के सपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम जनाब। सर साहब हमारी तरफ से पहले सबसे पहले हमारी तरफ से ढेर सारी मुबारकबाद, आप जिस तरह से क्रिकेट कराते हैं नॉर्थ कश्मीर में, और हर मैदान पर आपकी जो एंट्री होती है एक डिफरेंट टीम लेकर जाते हैं, शायद ही JKCA की तरफ से इतनी टीमें जो है खिलाई जाती है जितना आप खिलाड़ियों को खिलाते हैं। मेरा शौक था बचपन से ही कि खेलूं, और उन दिनों जब हम खेला करते थे इतनी फैसिलिटीज नहीं हुआ करते थे, लेकिन उन दिनों हम दिल से खेलते थे, तो हम इस वक्त चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं जो अक्सर जो हर जगह जो बात चलती है ड्रग्स में मुलवस हैं, इसकी एक ही वजह है कि हमारे ग्राउंड कुछ साल मतलब 8-10 साल बंद रहे, आपको पता होगा जब यहाँ डिस्टर्बेंस थी, तो उससे एक लिगेसी थी जो छोटे बच्चे सपोज़ मैंने खेला है निसार पंडित को मैंने खेलते हुए देखा है, तो उसको देखते देखते मैंने बशीर साहब के साथ खेला, फिर मैंने खेला मुझे देखते हुए माउंट यूसुफ खेले, लेकिन बीच में जो वो गैप लग गया उसमें बच्चे जो हमारे हैं तो थोड़े बुरे काम में लगे, तो मेरा हक भी बनता है कि क्रिकेट ने मुझे बहुत कुछ दिया है, तो वो मैं थोड़ा लौटाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो हर जगह में जा जाकर मतलब ये चाहता हूँ कि बच्चे क्रिकेट खेलें स्पोर्ट्स में आए, बस यही मेरी एम है। SSL की बात जब करते हैं, आपने जब पहली बार SSL यहाँ पर शुरू किया, आपने एक इनोवेशन के तौर पर IPL स्टैंडर्ड के वो इनामत रखे कुछ इस कदर था, और शायद आपने यही काबिश रखी थी कि शायद ये जो क्रिकेट अच्छी तरह से प्रमोट हो सके, ये माइल हो जाए इस तरफ, SSL के पीछे क्या काबिश थी, किस चीज़ ने आपको उबारा इसके लिए आपने SSL शुरू किया? अक्सर जब आप यहाँ देखते हैं जो हमारे एक्सपर्ट हैं जो हमारे सीनियर खिलाड़ी हैं, तो वो जो सारा इल्ज़ाम जो लगता है T20 पर लगता है,
मैटिंग पर लगता है कि मैटिंग से ख़राब हो गया, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है मैटिंग से इतनी ख़राबी नहीं हुई जितना हम ज़्यादा T20 खेलते। तो वो T20 का निकाल के मैंने सोचा था हम थोड़ा ये बड़ा खेल हो 30 ओवर का 40 ओवर का, जिसमें मैं लास्ट जो हमारा एडिशन था वो फेल ही हो गया मैं, क्योंकि किसी भी टीम ने वो मैंने 40 ओवर का रखा था, तो किसी भी टीम ने 40 ओवर नहीं खेले, क्योंकि हर एक टीम लेट आती है 11 बजे 12 बजे। अब आप आज देखिए इस वक्त मुझे लगता है 11 बज गए हैं और फाइनल सिस्टम में अभी तैयार नहीं है खेलने के लिए, तो इसलिए फिर दिल थोड़ा दुखी हो जाता है, लेकिन फिर भी चाहते हैं कि नहीं चलो ये मसले हैं इस वक्त, ये मतलब ट्रैफिक, मैं भी श्रीनगर से सुबह आया और मैं यहाँ 8:30 बजे भी आया, तो अक्सर ये अपने जो खिलाड़ी को इंस्पायर करेंगे कि सवेरे जागे, हालांकि मुसलमान हमें फ़र्ज़ हमारा बनता है कि हम सवेरे जागें, और मेरे जो सर मुश्ताक साहब ये भी हमें कहते हैं कि आप पहले ही निकला करो, सवेरे निकला करो, कोई बात नहीं आपका एक घंटा जाता है उससे कोई नुकसान नहीं, आप पहले पहुंच जाते हैं, कैसे हम इनको इंस्पायर करके इन खिलाड़ियों को समझा सकते हैं? इसमें एक हमारा टूर्नामेंट चलता है चंद्रामा में जी, तो उनने एक सिटिंग गार्ड रखा है, जब टीम लेट आती है तो उनको ओवर गाड़ते हैं, या अगर कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो वो डिस्कार्ड करते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है हर एक जो है ऑर्गेनाइजर से, तो अगर वो ऐसा एग्जाम करें तो मुझे लगता है ये ठीक हो जाएगा। मेरे ख्याल से ओवर ऐसी काटना सबसे बड़ी बात नहीं है, अगर मजीद हम इनको थोड़ा सा बताएंगे कि यार आपने अगर क्रिकेट खेलना है, आपने आगे जाना है, आपने इंडिया रिप्रेजेंट करना है, तो फिर आपको इन चीज़ों के लिए अपने आप को तैयार करना है, अपने बॉडी पर ध्यान देना है, आपने डाइटिंग पर ध्यान देना है, हर चीज़ को अपने मद्देनजर रखना है। क्या लगता है तो अगर हम देखिए, शायद मुझे लगता है कुछ ही टाइम में मुझे ये जो लड़के हैं जो हैं बड़े बड़े हैं या छोटे हैं तो कभी भी मुझे मार सकते हैं, क्योंकि मैं अक्सर उनको बोलता हूँ कि आप आधा घंटा पहले रिपोर्ट किया करो, कम से कम एक्सरसाइज किया करो। और इस वक्त देखिए आप राइट साइड में जो दोनों टीमें हैं, कोई अभी मैच 15 मिनट में शुरू होने वाला है, देखिए कोई रनिंग नहीं है, कोई कंडीशनिंग नहीं है, तो इससे मतलब ये प्रोफेशनल इन्हें बनाया है, मजाक बनाया है खेल का। तो अब हम भी हमारा शौक है तो हम सोचते हैं नहीं चलने दो, हो जाएगा कभी ठीक, लेकिन नहीं लगता ऐसा होगा। चलिए सर बहुत शुक्रिया आपने हमारे से बात की, और थोड़ा सा फिर से हम आपको थोड़ा सा विजुअल्स में दिखाने की कोशिश, सुभान स्टेडियम किस तरह खुशहाल है, कितना खूबसूरत है, और बाउंड्रीज की बात करें बड़ी अच्छी बाउंड्रीज है इधर साइड ऑफ द ट्रैक, स्ट्रेट हिट और लॉन्ग स्टॉप का एरिया भी अगर हम आपको दिखाएं वो भी अच्छी है, और कुछ ही पलों में यहाँ टॉस होगा और टॉस के बाद लाइव एक्शन शुरू होगा, बॉल बाय बॉल कमेंट्री आप देखना ना भूलेगा जो कि स्पोर्ट्स टाइम पर, और कमेंट्री टीम आपके लिए बिल्कुल उपस्थित है यहाँ पर, कुछ ही पलों में लौटेंगे टॉस और लाइव एक्शन के साथ।